वो खेल मंत्री बन जाते, काहे के स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। बस आप सोचिए कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जिसका स्टेटमेंट हो कि फलना प्राइवेट हॉस्पिटल पीएमसीएच से भी बेहतर है, वो कैसा स्वास्थ्य मंत्री है बिहार का? ये जो स्वास्थ्य मंत्री है इनसे संभाल नहीं रहा है, नहीं संभाल रहा है तो काहे के लिए मंगल पांडे जी आप अपने ऊपर गांज गिरवा रहे हैं? फालतू का इस्तीफा दे दीजिए, आपसे पब्लिक से गाली सुन रहे हैं, आप खुद ही रिजाइन कर दीजिए। इस्तीफा दे दीजिए, आप गाली सुन रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, सौदा भटक रहे हैं। यहाँ कुर्सी प्यारा है, यहाँ जनता प्यारा नहीं है, इनके माँ बाप भाई बहन प्यारे नहीं है। इमरजेंसी नहीं होता, 35,000 का आदमी सरकारी कंपैशनेट नहीं रहेगा सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इधर उधर भटकाया जा रहा है सर, जब कोऑर्डिनेशन आपके तंत्र में नहीं है। नहीं सिविल सर, दूसरी बात दवाई नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर हैं, आप लोग कोरोना में आप लोग देखने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम मरीज जो है, जब समय में हर एक चीज को अपने आँख से देख करके बड़ा हमको सूचना में आ गए। कोरोना बोली मतलब जिस तरीके से जनता ने अभी हमको ये गर्दनी बांध गई, ये अस्पताल है और पूरे तरीके से आप देख सकते हैं सब अस्पताल का वही हाल है सर। पीएमसी पूरे अस्पताल का वही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड का व्यवस्था नहीं है, और सरकार 2 करोड़ रुपया देने का काम किया है। क्या है ऐसे में महान जनता है, नौजवान है, यहाँ लोग खड़े हैं, इनसे भी आप पूछने का काम कर सकते हैं कि क्या ऑक्सीजन का व्यवस्था है। अब यहाँ पर जैसे आए तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ वहाँ है तो सिविल सर्जन की मीटिंग में गए हुए हैं, जनता बेहाल है, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में मंगल पांडे कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं। मंगल पांडे पूछिए ना अस्पताल में कैयर दिल जाते हैं, कौन सा व्यवस्था कराते हैं, क्या व्यवस्था उन्होंने कराने का काम किया? केवल कागज या किताब में लिख देने से किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं होता, धरातल पर दिखना चाहिए कि हमारे पास कितना बेड है, यहाँ व्यवस्था। सीएम साहब नहीं निकल रहे हैं घर से, देखिए आपको इमरजेंसी और सिविल सर्जन गायब है, जाहिर सी बात है, देख लीजिए ये नौजवान है, इनकी मदर बीमार है और इनको दवा वगैरह का व्यवस्था है, कोई किसी भी तरीके का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं किया गया, ये नौजवान बेचारा भटक रहा है इधर, और यहाँ सरकार मजे मार रहा है। आप इनसे पूछने का काम कीजिए कि सिविल सर्जन से ये इन्होंने मिलने का काम किया तो क्या सिविल सर्जन ने व्यवस्था क्या कराया? सर एक चीज, आप एम्बुलेंस पाया उनके घर में? एम्बुलेंस छोड़िए, एम्बुलेंस तो पूरे तरीके से किल्लत है, देख लीजिए एम्बुलेंस का, दवा का, उसी तरीके से वैक्सीन का। ठीक है, फिर पता चला कि डायरेक्टर इन चीफ जो है वो मना कर दिए, एक लोग अप्रूव कर रहे हैं, एक लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, सरकारी कंपैशनेट नहीं रहेगा सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इधर उधर भटकाया जा रहा है सर, जब कोऑर्डिनेशन आपके तंत्र में नहीं है। नहीं सिविल सर, और दूसरी बात दवाई नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर हैं, आप लोग कोरोना में आप लोग देखने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम मरीज जो है, जब समय में हर एक चीज को अपने आँख से देख करके सूचना में आ गए।